आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ना एक काम करिए, पेपर पेन सबके पास है? पेपर पेन सबने ले लिया अपना? हाँ जी ऐसा तो कोई नहीं, सब पेपर पेन है सबके पास। कोई ना कोई कुंडली है, कोई ना कोई हॉरोस्कोप है जहां पे कोई इशू हो, क्योंकि आप तब बेहतर समझ पाएंगे। जो भी ऐसे लोग हैं जिनके हाँ जिनके जी सर है, साथियों हाँ में, सबकी है। जी ऐसा है जिसकी मैरिज नहीं हो रही है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, जिसके पास नहीं है वो केक कर सकते हैं। मैं आपको पिन करता हूँ अपने आप को, 1 मिनट देखिए। ऐसे करके ना, एक ऐप है एस्ट्रोसेज के नाम से, उसको खोलेंगे तो इस तरह से डिटेल आ जाती है। उसमें कुंडली आप इजीली बना सकते हैं, अभी हाथ के हाथ बना सकते हैं। लेकिन जो भी चीज मैं बताऊंगा ना, वो आप इमीडिएट चेक कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वो पता लगे डाउटफुल रहो कि वो होना भी है कि नहीं होना है, वो एप्लीकेबल भी होता है कि नहीं होता है। पर कंप्यूटराइज होगा तो बेटर होगा, क्योंकि तो हिंदी में आप नहीं समझ पाएंगे। जो हिंदी वाली नॉर्मल कुंडली होती है उसके अंदर इशू आएगा, बाकी आपके ऊपर है आप कैसे करेंगे। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको बिल्कुल नॉलेज ना हो कुंडली के बारे में या ग्रहों के बारे में? बिल्कुल नॉलेज ना हो, वो हैंड रेस कर दें। या उसमें भी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आवाज कर दो। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, कोई बोल रहा है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कैमरा एक्टिव रखेंगे तो, अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं उनके क्वेश्चन भी ले लूंगा। जिनको बिल्कुल नहीं पता है, काफी लोग हैं नहीं पता है। एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा समझिएगा इसको और नोट कर लीजिएगा। इसकी जो जो चीज मैं दिखाऊं ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी आएगी समझने में उसको। स्क्रीन दिख आवाज रही है आपको? स्क्रीन का दिख रही है आपको क्लियर सबको? ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आज जो हम वेबिनार कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मैरिज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। यहाँ पर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स पे बात करेंगे, ग्रहों की बात करेंगे, हाउसेस की बात करेंगे। हम यहाँ पर कोई न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करेंगे। लास्ट टाइम तो हमने वेबिनार किया था नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, वहां मैंने लाइव सबको बताया था कि अपने आसपास जो भी लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके नाम में ये चीज प्रॉब्लम देख लो। और 95% लोगों ने बात बोली थी कि ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई वो है उनके नाम के अंदर। जो लास्ट टाइम थे, अगर वो यस या नो बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। लाइव आपने देखा था जो जो मैंने ट्रिक बोली थी वो लाइव एक्यूरेट थी कि नहीं थी? यस सर, लाइक एक्यूरेट थी। अब आज आपकी भी जो मैं बता रहा हूं ना, मैं पर्सन का ना, जिसका आपने नेम न्यूमरोलॉजी में लाइव किया है ना, आज जी उस पर्सन का मैं एस्ट्रोलॉजी से मैच करके देखना चाह रही हूँ। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, मैं हमेशा अपने वेबिनार में बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु सब ठीक है, सब परफेक्टली वर्क करते हैं। प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजर में होती है, न्यूमरोलॉजिस्ट में होती है, या वास्तु कंसल्टेंट में होती है। विद्या में कोई इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम मुझ अगर आज कुछ मैच नहीं करा तो प्रॉब्लम मुझमें होगी, प्रॉब्लम मुझमें होगी ना कि इस विद्या के अंदर होगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कोई भी चीज 100% नहीं करती है ना। हमने तो लास्ट न्यूमरोलॉजी नेम न्यूमरोलॉजी का या न्यूमरोलॉजी का वेबिनार किया था, तो भी मैंने बताया था परसेंटेज कि ये चीज 85% काम करेगी, ये 90% काम करेगी, कहीं कहीं मैंने बोला था 99% काम करेगी। तो वो उस हिसाब से लेके चलिएगा। हम आज जो वेबिनार कर रहे हैं वो हम मैरिज एस्ट्रोलॉजी पे करेंगे। उसके अंदर देखेंगे शादी कब हो सकती है, ट्रिक बताऊंगा थोड़ी सी, एस्ट्रोलॉजिकली ट्रिक बताऊंगा। उसके अंदर मैं ट्रिक कहीं से भी ले लूंगा, वो आपको समझाऊंगा। अभी मेरा नाम अरविंदरन वंजे है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है अरविंद एस्ट्रो के नाम से। आप जिस जिसने भी उसको सब्सक्राइब किए नहीं किया तो कर लीजिएगा, उसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको देख के करके सीख के आप लोग काफी इन्फॉर्मेशन अपनी बढ़ा सकते हैं, काफी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8901112551। ये सिर्फ व्हाट्सएप पे है, ये कॉलिंग पे नहीं होता। कोई भी चीज अगर आपको पूछनी होगी तो व्हाट्सएप ही कीजिएगा। फ्री की मैं जो पर्सनल कंसल्टेशन है वो फ्री की नहीं करता हूँ,
मैं फ्री में वेबिनार कर देता हूँ वही बहुत है, मैं कोई पर्सनल कंसल्टेशन नहीं करता हूँ फ्री के अंदर। इसके ऊपर अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जहां पर हम जो भी वेबिनार करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे फ्री वेबिनार लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ्री वेबिनार, तो मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करा दूंगा। हमारे किसी कोर्स के अंदर अगर आप आना चाहते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ, उसके लिए भी आप मुझसे यहाँ पे पता कर सकते हैं और पेड कंसल्टेशन के भी कर सकते हैं। मैं किसी भी चीज को यहाँ पर आपको आज ये नहीं बोलूंगा कि इसको करने के बाद मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए। ये जो भी लोग मेरे वेबिनार ज्वाइन करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए वेबिनार रखता हूँ उसकी पूरी नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। कोई भी ये चीज नहीं करता हूँ कि इसके बाद मैं आपको ऑफर दूंगा या अपना कोर्स को मैं आपके लिए वो करूंगा, वो आपके ऊपर है, जहां मर्जी से करो जैसे मर्जी करो, मगर मेरा काम है सिर्फ आपको अच्छे से गाइड करना। इसको कहते हैं कुंडली, इसको कहते हैं कुंडली हॉरोस्कोप। जिसको भी नॉलेज नहीं है जरा समझ लीजिएगा, जब मैं फर्स्ट हाउस बोलूंगा, फर्स्ट हाउस पहला भाव, तो इस घर की बात करूंगा, इस भाव की बात करूंगा, इस हाउस की बात करूंगा। और जब मैं सेकंड बोलूंगा तो इसकी बात करूंगा, थर्ड बोलूंगा तो इसकी बात करूंगा, फोर्थ बोलूंगा तो इसकी बात करूंगा, फाइव बोलूंगा तो इसकी करूंगा, सिक्स तो इसकी, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और मैं 12 भाव की ही बात करूंगा। अगर मैं कभी बोलूंगा हाउस नंबर 1 तो वो मैं इसके लिए बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा हाउस नंबर 7 वो इसके लिए बोलूंगा। हम मैरिज एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैरिज एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी भाव होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं वो होता है 7 पहले नंबर पे। इसकी जो इंपॉर्टेंस है, अगर 100 में से इसकी इंपॉर्टेंस 80% है, और जो 20% इंपॉर्टेंस होती है उसके बाद होती है सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस होता है फैमिली का और ये होता है हमारी मैरिज का, शादी का। तो इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आए। अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कौन से ग्रह होते हैं और उनके लॉर्ड कौन से होते हैं, कौन से प्लैनेट होते हैं और उनके स्वामी कौन से होते हैं, यह मैंने डिटेल दी है। आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो अगर आपको समझ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। जो प्लैनेट होते हैं वो 9 होते हैं, सन, सूर्य, मून, चंद्रमा, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, सैटर्न, शनि, राहु और केतु। एक्चुअल में जो राहु केतु होते हैं वो प्लैनेट नहीं होते हैं, वो छाया ग्रह हैं। वो बेसिकली हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, जहां पर जो सन और मून का जो बेसिकली जिस धुरी के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, वो जो दो, ये वो दो पॉइंट हैं जहां पर वो एक दूसरे को कट करते हैं। बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में रोल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर भी नोट किया हुआ है। सन, मून, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। उसके बाद राशियां होती हैं। जो सूर्य है, सूर्य की जो राशि होती है, जिस राशि का वो लॉर्ड होता है वो है सिंह। सूर्य सिंह राशि का लॉर्ड है, मून कर्क राशि का लॉर्ड है, मून कर्क राशि कैंसर का लॉर्ड है, मार्स एरिस का और स्कॉर्पियो का लॉर्ड है, मंगल एरिस और स्कॉर्पियो का लॉर्ड है, मेष और वृश्चिक भी बोलते हैं उसको, जुपिटर बृहस्पति धनु और मीन का लॉर्ड है, सेजिटेरियस पाइसिस का लॉर्ड है, बुध जैमिनी और वर्गो का लॉर्ड है, मिथुन का और कन्या का इनका लॉर्ड है, इसका मालिक है, वीनस टॉरस का और लिब्रा का, वृषभ और तुला राशि का लॉर्ड है, और शनि जो लॉर्ड है जिसको सैटर्न बोलते हैं वो कैप्रिकॉन का, एक्वेरियस का है, जिसको हम मकर और कुंभ कहते हैं। राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं दी गई है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, क्योंकि जब मैं कुछ बोलूंगा तो आपको यहीं से समझना पड़ेगा, तो मैं इसको रोक रहा हूं यहां पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी नॉलेज नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, हाउसेस दिखाए थे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हाउसेस। अब आपके पास जो भी कुंडली है ना, उसके अंदर हाउसेस तो यही रहेंगे, मगर कहीं मान लीजिए किसी कोई किसी की कुंडली है, जैसे ईशान जी, हो सकता है यहाँ पे ईशान जी की कुंडली के अंदर 5 लिखा हो, निताशा जी की कुंडली में यहाँ पे 6 लिखा हो, दीपक जी की कुंडली में यहाँ पर 8 लिखा हो, सबके अलग अलग लिखा होगा। हाउस वहां पे रहता है मगर वहां पे राशि सबकी अलग अलग होती है, तो किस राशि का किससे डिनोट करते हैं वो लिख रहा हूं। अगर किसी की कुंडली में 1 लिखा है तो उसका मतलब उसका जो लॉर्ड है, मालिक है, वो है मार्स। मार्स अगर किसी की कहीं पे 2 लिखा आपकी राशि में तो इसका मतलब है उसका जो लॉर्ड है वो है वीनस। कहीं 3 लिखा है तो मरकरी है, 4 लिखा है तो उसका लॉर्ड मून है, 5 लिखा है तो सन है, 6 लिखा है तो मरकरी है, 7 अगेन वीनस, 8 मार्स, 9 जुपिटर, 10 सैटर्न, 11 सैटर्न, 12 12 जुपिटर। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी कोई नंबर लिखा है, उस नंबर का कौन सा लॉर्ड है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आज के सेशन में, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसको नहीं पता लगेगा तो आपका सब कुछ समझ नहीं आएगा कुछ भी, वो ऐसे ही चला जाएगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आप सबके पास कुंडली है, अभी आप अपनी कुंडली में अगर देखेंगे ना, कुछ ऐसी कुंडली है आपके पास, सबके पास कुछ ऐसी कुंडली है सबके पास? हाँ जी सर, ऐसी है। देखिए, हो सकता है जी सर, ये किसी किसी प्लैनेट के पास, किसी प्लैनेट में ना आपके, जैसे देखिए यहाँ पे ME लिखा है, ME का मतलब मरकरी है, मरकरी के साथ ना स्टार बना हुआ है। हो सकता है आपके पास जो कुंडली है उसके साथ स्टार बना हो, या किसी प्लैनेट के साथ में लिखा हो R। हाँ जी, मेरे स्टार बना हुआ है, स्टार होगा या आर होगा, अगर हिंदी में है तो उसमें व लिखा होगा। अगर स्टार लिखा हो, स्टार बना होगा, आर लिखा होगा, किसी किसी उसके अंदर आर होता है, नहीं तो यहाँ पे व लिखा होगा, व व मतलब वक्री। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्लियर कट ये है कि जिस प्लैनेट की आप बात कर रहे हैं, जिस भी हम हाउस की बात कर रहे हैं, उसमें जो बैठा प्लैनेट है वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है। सर मुझे एक बात बताइए जी, मेरे दूसरे खाने में 2 नंबर लिखा है लेकिन ग्रह कोई नहीं है। जिस कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां पे ग्रह है और उस ग्रह के आगे स्टार है, अगर उस ग्रह के आगे स्टार है, उस ग्रह के आगे आर लिखा है, उस ग्रह के आगे वी लिखा है, तो समझ जाइए कि वो जो आपका ग्रह है वो वक्री है। सर एक बात और बताइए जी, इस 2 कुंडली बनी है, इसे एक लगन चक्र, एक नवांश, कौन सी देखनी है? हम जब जहां 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 तक हम पहुंचे हैं ना, वहीं की बात करते हैं, हम आगे वहां तक जाएंगे। ओके, अभी वहां तक जाएंगे, जहां पे हम पहुंचे उसकी बात करते हैं। उसके बाद शनि देव, मंगल देव और बृहस्पति देव, इनकी 3 दृष्टि होती है, बाकी जितने भी प्लैनेट है ना उनकी एक दृष्टि होती है, जिसको हम कहते हैं 7वीं दृष्टि, 7। मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। पहले बात कर, जैसे जैसे मान लीजिए ये वीनस है, ये वीनस है, ये जो है ना ये वीनस है, शुक्र। अगर हम बोलते हैं कि इसकी दृष्टि, इसकी एक दृष्टि होती है 7वीं, तो अगर हम ये देख, अगर ये यहां बैठा है तो ये 7वीं दृष्टि कौन सी आ रही है इसकी, यहीं से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगेन करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वीनस यहां से इस घर को देख रहा है, इस हाउस को देख रहा है, वीनस यहां से इस घर को देख रहा है, इस हाउस को देख रहा है, क्योंकि इसकी एक दृष्टि है,
मैं सिर्फ सामने देख सकता हूँ, मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है राइट देखने का लेफ्ट देखने का, मगर कुछ प्लैनेट्स के पास है, कुछ लोगों के पास होता है जो अपनी आई जो बॉल आई बॉल्स को राइट लेफ्ट लेके अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर वीनस के बारे में हम बात कर रहे हैं, वीनस यहाँ पर सिर्फ जितने भी प्लैनेट्स हैं अदर देन जुपिटर मार्स एंड सैटर्न, शनि मंगल और बृहस्पति को छोड़ दे तो बाकी सारे के सारे ग्रह अपने से सामने देखते हैं और कहीं नहीं देखते हैं। मगर जो शनि देव हैं, जो मंगल हैं, ये सात तो देखते ही देखते हैं, सेवन तो देखते ही देखते हैं, ये सेवन तो देख ही देख रहे हैं यहां पे देखिए। मगर शनि देव की एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है, वो जहां पे बैठे हैं वहां से तीसरी दृष्टि भी लगाते हैं, दसवीं दृष्टि भी लगाते हैं। मंगल देव यहां जहां बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि भी लगाते हैं, आठवीं दृष्टि भी लगाते हैं, और बृहस्पति देव जहां बैठते हैं वहां से पांचवें को और नौवें को भी देखते हैं। मैं आपको उसको चार्ट पे लगाकर दिखाता हूं, बताओ समझ में आएगा। अब हम देखते हैं शनिदेव यहां बैठे हैं, शनिदेव शनिदेव के लिए मैंने क्या बोला है, शनिदेव की तीन दृष्टि होती है, तीसरी सातवीं और दसवीं। शनिदेव यहां बैठे हैं, एक दो तीन, एक दृष्टि तो यहां डाल रहे हैं, वो यहां बैठे हैं एक दृष्टि यहां डाल रहे हैं, उसके बाद दूसरी दृष्टि एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ सात दूसरी यहां डाल रहे हैं, और तीसरी हमने कौन सी बोली इनके दस नंबर दसवीं दृष्टि, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। शनिदेव यहां बैठ के यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं। अभी मैंने आपको बताए थे घर हाउसेस बताए थे, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवन्थ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये सेवन है, एट है, नाइन है, टेन है, इलेवन है, ट्वेल्व है। शनिदेव सिक्स्थ हाउस में बैठ के कौन से हाउस को देख रहे हैं, सिक्स सेवन एट, एट्थ हाउस को भी देख रहे हैं, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बारहवें घर को भी देख रहे हैं, ट्वेल्थ हाउस को भी देख रहे हैं, और अगेन वन आ गए यहाँ पे वन टू थ्री तीसरे घर को भी देख रहे हैं। शनिदेव छठे घर में बैठ के आठवें घर को देख रहे हैं, बारहवें घर को देख रहे हैं और तीसरे घर को देख रहे हैं। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने सातवें घर में बैठे हैं, शनि सातवें नहीं घर में बैठे जी, शनि छठे घर में बैठे, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, ये सात नंबर राशि है, ये घर नहीं है। ओके ठीक है जी, ठीक है, देखिए यही यही डाउट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो ये है ना, यस सर, यस, ये हाउसेज हैं, इसके अंदर जो नंबर लिखे हैं वो क्या है सर, राशि शनि बारहवें घर में और केतु के साथ, कहीं पर भी बैठा हो ग्यारहवें बारहवें में, कहीं भी बैठा हो, सिर्फ नोट कीजिए, आपको पता लग गया आपका शनि बारहवें घर में बैठा है, तो बारहवें घर से तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है उसकी, दूसरे घर पे, यानी कि एक दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं वो आपके दूसरे घर पे, फिर कहाँ डाल रहे हैं आपकी दूसरी दृष्टि सातवीं आपके छठे घर पे, फिर वहां से दसवीं दृष्टि कहाँ डाल रही है आपके नौवें घर पे, ठीक है जी, क्लियर है सर, एक बार और बताएंगे इसको। हाँ मैं अभी बाकी सबकी बताऊंगा, पहले ये इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, ये घर है, भाव है, अगर इसके अंदर एक नंबर लिखा है, अगर इसके अंदर एक नंबर लिखा है, एक नंबर लिखा है, तो इसका मतलब वो मार्स का, मार्स की राशि है, अगर दो नंबर लिखा है तो वीनस है, तीन नंबर लिखा है तो मरकरी है, चार नंबर लिखा है तो मून है, पांच नंबर लिखा है तो सन है, छह नंबर मरकरी, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये जो बारह है राशि है, मगर वो किस घर में बैठी है वो हमने वहां से काउंट करना है। मैंने आपको बता दिया स्टार्ट कहां से होगा एंड कहां से होगा, एक बार दोबारा बता देता हूं,
स्टार्ट यहाँ से जी होगा सर, इसको ये हम वाला समझ आ गया सर, वो जो हाँ जी दृष्टि बता रहे थे कर्सर दृष्टि में पे वो दोबारा बता बताता हूँ, दीजिए। दोबारा बताता हूँ दृष्टि। यानी कि हमने देख ली है, उसके बाद मैंने दूसरी किसकी बात करते हैं, हम दूसरी दृष्टि की बात करते हैं मार्स की, मंगल की। मंगल देव कहाँ बैठे हैं यहाँ पे, ये बैठे हैं मंगल देव, ये मंगल दिख जी रहे हैं आपको, एम ए मंगल, थोड़ा और बड़ा कर दो, जी ये दिख रहा है क्लियर, पांचवें घर में क्लियर दिख रहा है ना आपको, दिखना चाहिए बस, मेरे में छठे में ऐसे। कोई बात नहीं, अभी अपनी बात मत कीजिए, समझने की बात कीजिए। मार्स यहां बैठे हैं, मार्स की चार दृष्टि हो, तीन दृष्टि होती है, पहली दृष्टि कौन सी बताइए मैंने, चार, चौथी, यहां बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं वहां से चार काउंट कीजिए, एक दो तीन चार, चौथी दृष्टि यहां डाल रहे हैं, उसके बाद सातवीं, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात यहां हो गई, उसके बाद आठवीं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, मार्स की मंगल की तीन दृष्टि होती हैं, चौथी सातवीं और आठवीं, सातवीं हर ग्रह की होती है, सिर्फ शनि देव को, मंगल देव को और बृहस्पति देव को ही ये चीज हासिल है कि उनकी एक्स्ट्रा दो दृष्टि होती हैं। हमने पहले शनि देव की दृष्टि देखी, उसके बाद हमने मंगल जी की दृष्टि देखी है, मंगल देव की, अब हम देख रहे हैं दृष्टि बृहस्पति देव की, तीनों तीनों की दृष्टि देखूंगा तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं, कौन से घर में बृहस्पति देव बैठे हैं? हाँ जी आप फिर गलती कर रही हैं, वो नौवां घर नहीं है, नौवीं राशि है, नौवीं राशि है, हाँ जी हाँ जी, घर कौन सा है, घर, हाँ जी आठवां घर है, करेक्ट, आठवां क्यों हुआ, एक दोबारा दिखाता हूँ, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये बैठे हैं बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं, आठवें घर में बैठे हैं, नौवीं राशि में, नौवीं राशि किसकी है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था नौवीं राशि का लॉर्ड कौन है, देखिए नौवीं राशि का लॉर्ड कौन है, जुपिटर, जुपिटर, नौवीं राशि का लॉर्ड है जुपिटर, वो आठवें घर में बैठे हैं, नौवीं राशि में बैठे हैं, करेक्ट है ये, क्लियर है, Yes, हमने अभी बात की थी, बताया था इनकी, इनकी भी तीन दृष्टि होती है, पहली दृष्टि कौन सी होती है इनकी, पांचवी, सातवीं और नौवीं, किसी की वॉइस आ रही है वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को, समिता जी म्यूट कर लीजिए, ठीक, पांचवी, यहां से पांच गिनेंगे, जब भी हम काउंट करते हैं तो जिस हाउस से करते हैं उसको ही पहला हाउस लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, एक दो तीन चार पांच, पहली दृष्टि कहां डाली इन्होंने, बारहवें घर पे, जहां पर एक नंबर लिखा बारहवें घर पे, दूसरी दृष्टि कौन सी है इनकी, सात नंबर, सातवीं दृष्टि, एक दो तीन चार पांच छ सात, अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एक दो तीन चार पांच छ सात, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सातवीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि और होती है इनकी जिसको हम कहते हैं नौवीं दृष्टि, नाइन्थ, नौवां घर को भी देखेंगे हमारे यहाँ, दोबारा नाइन करते हैं यहाँ से, यहीं से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, यहीं से दोबारा इंग्लिश में जिसको समझ में आ जाए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, करेक्ट है, मंगल देव की तीन दृष्टि होती हैं, चार आठ और सात, सात सबकी होती है, शनि देव की तीन दृष्टि होती हैं, तीन सात
10, मंगल देव की 4, 7, 8, बृहस्पति की 5, 7, 9। जहां बैठते हैं वहां से ये उस भाव को भी देखते हैं, जहां ये बैठे हैं वहीं से काउंट करना स्टार्ट होगा, एक नंबर वहीं से होगा, 1 वहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर है ये चीज? जी सर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले लीजिए, अगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। एक तो ये ध्यान रखिए। हाँ जी बोलिए। देखिए जिसको भी क्वेश्चन करना है ना वो अपना वीडियो ऑन करके करिएगा क्वेश्चन। कुंडली में सर एक वर्गोत्तम कुछ लिखा हुआ है। वो कुंडली में नहीं लिखा हुआ है, वो कुंडली का नीचे कहीं लिखा हुआ है। हाँ हाँ नीचे में वक्री। हाँ तो नीचे मत देखिए, अभी हम कुंडली पे पहुंचे ही नहीं है, अभी ये समझिए कुंडली देखना समझिए, वर्गोत्तम की बात छोड़ दीजिए। अभी आपको ये पता लगाना चाहिए कि किसी भी प्लैनेट के आगे स्टार लगा है तो रेट्रो है, मतलब वक्री है। आर लगा है तो रेट्रो है, वक्री है। व लिखा है तो रेट्रो है, वक्री है। शनि देव की 3 दृष्टि होती है, मंगल देव की 3 होती है, बृहस्पति की 3 होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए आपको आगे। आई थिंक ले लिया होगा आपने।